शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25/6/2021 का मुरली, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा, मधुबन। प्यारे प्यारे कल्याणकारी शिव पिता ने मास्टर कल्याणकारी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। 12 के बाद ही अमृत वेला, 2 बजे से अमृत वेला कर सकते हैं। सुबह में 5 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक, बहुत प्रॉब्लम हो तब। और जो बच्चे जल्दी सोते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। वैसे भी जो पहले उठते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो पूरे दिन फ्रेश फील करते हैं। नॉर्मली हम ज्ञान में नहीं थे, तभी भी यदि आप सुबह में जल्दी उठते और बाहर में एक्सरसाइज वगैरह करते, तो आपका पूरा दिन बड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता। और जिस दिन लेट उठते, तो उस दिन बड़ा लेजी लेजी और बड़ा ही अनकंफर्ट फील होता। तो ये ज्ञान में आकर के तो और अधिक समझ में आया कि परमात्मा से हम कैसे अपने में बल भर के, कैसे हम पूरे दिन उस बल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने ही जीवन के लिए। तो इस तरह से 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठ जाओ। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। सम्मुख बैठे हैं तो जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना, जहाँ शरीर को धारण करेंगी तभी तो फिर जीव आएगा इसमें शरीर में, तब तो फिर वह कर्म में आएंगी। तो यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो वह नंगी होती है, अशरीरी आत्माएं, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, है ना, तो तुम्हें आत्मा कैसे कहा जा सकता है? तुम्हें तो जीव आत्मा कहा जाएगा ना, क्योंकि ये प्रकृति को पहन रखा हुआ है ना। तो ये प्रकृति के साथ हम जीव आत्माएं हैं, ऐसे नहीं है कि अशरीरी बैठे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा वा परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके, है ना। आत्मा बिना शरीर के कुछ काम नहीं कर सकती, और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कार्य कर सकता, है ना। कर्मेंद्रियां आत्मा के द्वारा कार्यरत होती है ना। तो इस तरह से कोई भी बिना शरीर के बोल ना सके, ना ही आत्मा और ना परमात्मा। तो बाबा हमें समझाते कि तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरी बिरिस्टरी सीखते हैं, तो
तो यह एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। पढ़ाई ऐसे ही नहीं करते ना कुछ आपका टारगेट रहता है, ऑब्जेक्ट रहती है, एम रहता है ना, एम ऑब्जेक्ट रहती है। तो तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं, भगवान उपाच, शिव भगवान उपाच। यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है, तो जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि भगवान निराकार को यदि कहा जाता है तो जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, है ना, कोई भी नहीं कहेगा। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते, कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो तो यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरे फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रधान होगा, लास्ट छी छी तमो प्रधान होगा। सुख फिर दुख, दुख फिर सुख, नरक फिर स्वर्ग, है ना। स्वर्ग का द्वार कभी भी नरक से होकर के जाता है ना। तो स्वर्ग में जाना है तो पहले यहाँ तो आना ही पड़ेगा, तभी तो स्वर्ग होगा ना। तो इस तरह से जो आया तो वो उसे जाना ही है, तभी तो फिर वो 84 जन्म लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो आत्मा संस्कार लेती है वह फिर एक शरीर छोड़ दूसरा। तो सत्व प्रधान अवस्था में हम जब आते हैं पहले पहले जन्म में तो बहुत सुख होता है, फिर तमो प्रधान में छी छी बन जाते, तो 16 कला से फिर 14 फिर 12 होती जाएंगी। पहले 16 कला संपूर्ण रहते तब हम संपूर्ण सुखी रहते, तो फिर 14 कला आता तो वो दुख दिखता नहीं, लेकिन सूक्ष्म गति से हम सीढ़ी नीचे उतरते तो 14 कला में आ जाते। पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी कला में आते, फिर 12 कला होती जाएंगी, पुनर्जन्म लेते जाएंगे, जरूर लेते हैं, पूछना चाहिए। अच्छा, परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं वह पुनर्जन्म रहित हैं। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी। अगर पुनर्जन्म रहित है तो शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है, है ना। तो इस तरह से ये बात बहुत ही गुहा राज समझने की बातें हैं कि परम पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारा तो है, लेकिन वो जो है आते हैं। शिव जयंती सिद्ध नहीं होगी यदि हम ये कहें कि वो पुनर्जन्म रहित हैं तो, क्योंकि वो तन में अवतरण लेते हैं, है ना, कोख से जन्म नहीं लेते हैं, माँ के गर्भ से। लेकिन वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, किसमें आते हैं, कब आना होता है, यह सब वही आकर के बताते हैं। जब तक वो ना आए तब तक ना तो उनके आने का हमें पता चले और ना ही कैसे आते हैं यह पता चले, क्यों आते हैं यह भी पता तभी चलता है जब वह स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, है ना, और हम बच्चों को हमारा परिचय देते हैं। तो इस तरह से जो समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती है परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लें, यदि वो आए जन्म में तो फिर उन्हें मरना जरूर होगा, और मरेंगे तो फिर पुनर्जन्म में जरूर आना होगा। तो इसीलिए वो
कहना चाहिए लीज पे लेते हैं, थोड़े समय के लिए किसी और का तन लेते हैं उधार, उनका कोई तन नहीं है जिसमें वो रहते हैं, है ना। वो थोड़े समय के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, लीज कहो, उधार कहो, रथ कहो या जो भी कहो, तो फिर उसमें आकर के वापस, फिर जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वह वापस अपने निर्वाण धाम शांति धाम अपना ज्ञान पूरा करके ज्ञान देते हैं, ज्ञानदाता ज्ञान देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से कह सकते कि वह अगर मरे तो पुनर्जन्म ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, है ना। वो भी संगम में, अंतिम के अंत जन्म में, जो है कलयुग के अंत में आते संगम पर, है ना। तो तभी फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सत्व प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते, वो दुर्गति गति सदगति में नहीं आते, है ना। तो इस तरह से वह जो है कभी भी सत्व तमो में नहीं आते, सत्व रज तमो में। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर तो सब जन्म मरण में आते आते ऐसे होते, तो फिर बाप आते हैं पावन बनाने, है ना। जब आत्माएं एकदम जो है आते आते इतना अधिक आना उनका जो हो जाता है, तो फिर वो तमो प्रधान बन जाती हैं पतित, तब फिर बाप आते हैं पावन बनाने, क्योंकि वही है पतित पावन। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित तो होती है, आत्मा घर से पावन आती है फिर माया पतित बना देती है। आत्मा जब आदि में ड्रामा के लिए आती है इस व्यक्त शरीर को ले लेकर के पाठ बचाने, तो उस समय वो एकदम शरीर भी और आत्मा भी दोनों ही पावन होते हैं, पावन दुनिया के होते हैं, है ना। पावन दुनिया से आते हैं तो सबसे पहले आते ही हैं सुखधाम में, फिर धीरे धीरे वह ऐसे गंदगी में आ जाते हैं, पतित बन जाते हैं, माया उन्हें पतित बना देती है। तो बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। कोई लौकिक पिता भी अपने बच्चों को कभी भी अपने संस्कारों से भटकाएगा नहीं, है ना, अच्छी ही बात बोलेगा। तो इस तरह से गंदी मत नहीं दे सकते, इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख देते हैं, नहीं बाप कभी बच्चों को जो है दुख नहीं देते, हाँ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सॉरी दुख देते नहीं है बाबा, सिर्फ और सिर्फ सुख देते हैं। ऐसा नहीं कि बाप दुख देते हैं, सुख दुख बाप ही देते, कह देते ना, सुख भी वही देता है और दुख भी वही देता है। यदि वही दुख और वही सुख देता तो फिर हम उससे सुख ही नहीं मांगते ना, यदि वही दुख देता तो, है ना। तो सुख तो सिर्फ पिता देते हैं लेकिन दुख हमें अपने कर्मों से मिलता है ना। तो नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो, मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं, कह देते कि धन ही माया है, जबकि माया तो पांच विकार हैं, धन तो अथाह था, हाँ सतयुग में, लेकिन वहां पे दुख रिंचक भी नहीं था, क्योंकि वहां माया पांच विकार रूपी माया जो नहीं थी, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे धन अथाह भी है लेकिन ये पांच विकार होने से हर एक दुखी है ना। तो माया कोई धन संपत्ति को नहीं कहते, माया कहते हैं पांच विकारों को, अर्थात उसी को फिर रावण भी कहा गया है आसुरी मत, है ना। तो इस तरह से आसुरी अवगुण तो कहते हैं ना, इनको माया का नशा है, मन इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का
बुत बनाकर जलाते नहीं। हाँ, सतयुग में ऐसे कुछ करते नहीं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, है ना? तो देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, है ना? तो इस तरह से वो क्या होते हैं, जैसे ही वह वाम मार्ग में गिरते तो काम चित्ता पर बैठ काले तभी बनना शुरू हो जाते ना, बन जाते। तो फिर उन्हें उस समय तो देवता कहेंगे भी नहीं, वो उस समय देवता कहलाते नहीं है, है ना? तो आधा कल्प रहते हैं श्रेष्ठ, लेकिन उसके बाद वह रावण मत पर चलने लग जाते हैं, है ना? देह की वजह से मैं बना जाता है, मैं से फिर अहम आ जाता है, तो मैं से फिर मन मैला हो जाता है, खुद को शरीर समझने लग जाते, है ना? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं ना, फिर वह माया के वश में अर्थात आत्मा माया के वश में हो जाती है, आत्मा की विस्मृति हो जाती है ना, कि मैं आत्मा हूँ यह बात हम भूल जाते, फिर उसी की वजह से फिर हम जब यह बात भूलते तो फिर हमें उस परमात्मा को याद करना शुरू करना पड़ता, वहीं से फिर हम याद करते भक्ति मार्ग में, है ना? तो इस तरह से पापा कहते हैं कि परमत पर चलते रहते हैं, अभी तुम बच्चे तुम चलते चलते जो हो, अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, परमत पर नहीं चलते, है ना? परमत माना माया की मत। बाबा कहते हैं श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। परमत जैसे कहते हैं ना, वो रावण की मत है, है ना? तो परमत इसीलिए बाप ने कहा है, आसुरी सांप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी है, सब दुखी है ना, क्योंकि यह है ही उसका राज्य, रावण का है ना राज्य। तो मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। ये बात ध्यान देने वाली है, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं, इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, है ना? तो बाबा कहते हैं इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा हो पूरा तो होता है ना, नाटक पूरा तो होता है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि चलता रहे, है ना? तो पूरा होता है। तो इन बातों में कोई जानते नहीं, इन बातों को कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं, यह है गीता एपिसोड और प्रैक्टिकल है। ये भी नहीं है कि शास्त्रों की लिखी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो 5000 वर्ष पहले तो यह सब जो पूरा हो जाता है तो चक्र फिर से फिरता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि गीता का एपिसोड बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। राजेश्वर राजेश्वरी बनना है तो राजयोग तो सीखना पड़े ना, तो इस तरह से सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज है, सहज बात है, सिर्फ बाप और वारिस को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ, है ना? तो इस तरह से तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, आत्मा परमात्मा की शक्तियों की, है ना, और परमात्मा की परमप्रिय आत्मा और आधे कल्प के वारिस की हकदार आत्मा, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं, यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा,
आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, तो आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा, है ना। तो बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा, जो बाबा कहते हैं, माया वर्षा छीनती है, है ना, पांच विकार वर्षे को छीन लेते। बाप दिलाते हैं, यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। हाँ, इन्फिनिटी कहते ना, जिसको जिसका कभी अंत नहीं होता। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मोतेले बनते हैं। कच्चे कच्चे, जो बाबा कहते, कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। जो कितने भी पक्के हों, लेकिन माया उन्हें भी, बाबा कहते हैं, कई बार जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे जो है वर्षा लेते रहेंगे। हाँ, कहते जब तक है जान, हाँ, मैं नाचूंगी तो वर्षा लेते रहेंगे। जब तक, बाबा कहते हैं, और विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहोगे उसी योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, है ना। तो आग चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, है ना, नहीं चलता है ना। इतने वर्ष, 100 वर्ष कौन सा यज्ञ चलेगा। तो 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं, है ना। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है, यह तो बहुत चल रहा है ना, कितने वर्षों से चल रहा है। बाबा कहते, बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, हाँ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म मरण जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान बाच, मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है, तब तो कहेंगे ना। हाँ, बाप कहते हैं, अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो, योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप का बलिहार जाना, बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं, तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। बाबा कहते हैं इस तरह से, किसी और पर नहीं, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, बाप परमधाम
बाबा कहते हैं कि बाप पर्यम धाम से आए हुए हैं, दूर देश का रहने वाला पराए देश में आता है ना, दूर देश का है वो तो, और अपने देश में नहीं पराए देश में आता है। हाँ, आना ही पराए देश में पड़ता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है, है ना। चील कितनी दूर से अपना शिकार पकड़ लेता है ना, तो इस तरह से चील के जैसी है माया। हाँ, सबकी बात नहीं है परंतु नंबरवार है। बाबा कहते हैं कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला। फिर सुबह को जो है बाबा कहते हैं अच्छी सर्विस, तो कुछ कुछ तो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए याद रखते हैं ना, जब तक उधर बैठ कर के सुन रहे हैं बाबा के महावाक्यों, फिर अगले ही पल जो है भूल जाते हैं बाहर निकलते ही। तो यहाँ से बाहर निकला और भूला। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि फिर सुबह को फ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। जबकि बाबा ने तो सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी कहा है ना, श्रेष्ठ योगी कहा है, तो फिर वैसा बनना भी है। तो बाबा कहते चार पांच वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है, कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा है और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर, है ना। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकना चूर हो जाते हैं, वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबर वार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तव्य तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि वहां कोई सफाई करने वाला नहीं होता होगा या कोई इस तरह से कोई नहीं होता। हाँ, पुलिस, डाकू, चोर और क्या नाम से, इस तरह से नहीं होता कोई आत्माएं वहां, है ना। लेकिन डस्टिंग करने वाला, बाकी भोजन बनाने वाला, खाने वाला, नौकर चाकर जो भी है वो सब तो होते होंगे ना। तो बाबा कहते कि ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे जो है कहना चाहिए कि भल वहां, बाबा कहते सुख तो रहता है लेकिन वह भी मर्तव्य के हिसाब से, है ना, अपने अपने नंबर वार के अनुसार। तो पापा कहते हैं इस तरह से पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना नंबर। तो स्कूल में मर्तव्य पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं पढ़ लेते जाकर, क्योंकि टाइम पास के लिए कौन पढ़ने भेजता है और कौन पढ़ता है टाइम पास के लिए, है ना। कुछ ना कुछ आपका रहता है और जितनी अधिक मेहनत उतने आते हैं मार्क्स और फर्स्ट मैरिट, है ना, कितने कितने आते। तो भल वहां सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तव्य तो है ना। बाबा कहते ऐसी नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, यह घुड़ दौड़ है, सभी नंबर वन तो नहीं आएंगे, सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है, माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है, आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, तो शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास, बाबा ने युक्ति तो बतलाई है ना। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है, गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटे देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है, सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म जो है विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री रहो, फ्री हो।
तो इस तरह से बाबा कहते हैं फिर 8 घंटे रहो, फिर बाकी फिर तुम कुछ भी करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो है 16 घंटा तुम फ्री हो, तो जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा जब एकदम फ्रेश रहता है ना, जब आप ये दुनिया के उसमें नहीं आते हैं, है ना। सुबह सुबह आपको ये सारा जो चकाचौंध है ना उससे एकदम दूर रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा टाइम सुबह तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है, कहावत भी है कि सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, हाँ? बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटे की, हाँ? 4-5 घंटा नींद बस, तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब शरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की जो है, बाबा कहते हैं कि याद अच्छा जो है बहुत अच्छी आती है ना। बाबा कहते हैं कि सुबह में जो सन्नाटा होता है ना, तो अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप का पूरा पूरा बलिहार जाना है और श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत या परमत को त्याग देना है और कोई अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान है देह के भान को, तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि किसी बात की अवज्ञा नहीं करना। और दूसरा बाबा ने कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करना है। तो ये तो बाबा ने धारणा करने का ही है कि जो है उठ करके जब हम सवेरे जो कमाई करते हैं ना, तो वह सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस भी कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। जैसे हम गवर्नमेंट की नौकरी शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटे की नौकरी करते हैं। आज को वरदान बाबा ने दिया, देह के भान को अर्पण कर, समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, है ना। जो दान दिया वो वापस थोड़ी आता है ना। दान देना अर्थात दे दिया, है ना, तो अब वो वापस नहीं आता है, इस तरह से अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को भी अर्पण किया, अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। दिया अर्थात दिया जलाते हैं ना, दिया अर्थात दे दिया। तो इस तरह से
आज का स्लोगन बाबा ने कहा है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता अपने चरणों में आ जाएगी। स्वयं सफलता का सागर, भाग्य विधाता, बच्चे उसके भाग्यशाली, भाग्य विधाता, मास्टर सफलता के सागर है ना। तो सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।